अच्छे आइए अपने उस्ताद उस्ताद शौरा जनाब जमशेद जौहर साहब दामत बरकात तुमसे मैं गुजारिश करता हूँ बराए मेहरबानी इस शेर के साथ, चूंकि शेर व शायरी का मामला बहुत बड़ा ऊंचा मामला है और इस तख्लीक के जनाब हमारे उस्ताद शौरा ही है कि ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है। मचल के बोलो सुभान अल्लाह, ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है। नात पढ़ता हो तो यारो मुझे डर लगता है। ये तो कांटों भरी वादी का सफर लगता है। नात पढ़ता हूँ तो यारो मुझे डर लगता है। गोद में लेके दाई हलीमा बोली, तेरी आमद तेरी आमद तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है। तेरी आमद से ही जन्नत मेरा घर लगता है। आइए हमारे उस्ताद शौरा जनाब कारी जमशेद जौहर जामताड़ा झारखंड। वक्त है, मैं चाहता हूँ कि दुआइया चंद शेर आपकी खिदमत में आ जाएं। हाजिर करता हूँ इरशाद। हाँ मैं भूल रहा था कि नाते पाक मैंने नहीं पढ़ी है। मेरे ख्याल से दो शेर पेश करता हूँ। दो शेर पढ़ लिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद नबी जिल उम्मी व आला अली वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसुओ आज मेरे दिल का फुगा हो जाओ। आसुओ आज मेरे आसुओ आज मेरे दिल का फुगा हो जाओ। आंसू वो आज मेरे दिल का फुगा हो जाओ। आंसू वो आज मेरे दिल का फुगा हो तुम ही जबा हो जाओ। लड़खड़ाती है जबा तुम ही जबा हो जाओ। मेरे सरकार की रहमत का तकाजा अपने दुश्मन के लिए अमनो अमा हो जाओ। लड़खड़ाती है जबा तुम्हें जबा हो जाओ। खूबसूरत पैगाम खूबसूरत शेर मुलाजा फरमाए। सरवरिया जी भिया वाज तुम्हें देती है। दो नजीब है हिंदुस्तान जनाब मारूफ राही साहब
और जनाब तनवीर जकी साहब माशाल्लाह हसीन इम्तिजाज हसीन संगम जनाब अब्दुल खैर आबादी साहब और जनाब अशफाक बहराइची साहब और जनाब सरफराज सुंबुल साहब और जनाब फैसल रशीदी साहब माशाल्लाह हिंदुस्तान के चीदा चीदा शोरा इकराम जमा है। बतौर खास इनके हवाले से पेश करना चाहता हूँ एक शेर मुलाजा फरमाए सरवरिया जिभिया वाज़े तुम्हें देती है सरवरिया जिभी आवाज़े तुम्हें देती है सरवरिया तुम गुलामान शहंशाह जमा हो जाओ तुम गुलामान शहंशाह जमा हो जाओ। मक्ता मुलाहिज़ा फरमाए कि महबे ख्वाबा ये है मदीना जौहर मैं बेख्वाब है यहाँ ये है नबी का रौदा मैं बेख्वाब है यहाँ ये सरापा अदब आज यहाँ हो जाओ आंसू आज मेरे दिल का फुगा हो जाओ बहुत लड़खड़ाती है जबान तुम ही जबान हो।